राम राम जी। मैं आपका अपना दोस्त करमवीर चौहान आपके अपने करमवीर चौहान व्लॉग चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या ढंग है अपना, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रहा हूं दोस्तों, और मैं आया हूं खेत में। देखिए मैं आपको खेत में अपनी कपास दिखाता हूँ, नरमा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे लबालब खेत कपास नरमे से भरा हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों हरियाली हरियाली बहुत ही हरियाली है। देखिए अपना नरमा बहुत ही अच्छा खड़ा हुआ है दोस्तों, और दोस्तों नरमे में फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आप टिंडे बनने स्टार्ट हो गए दोस्तों। देखिए देखिए आप ये टिंडा बन गया है दोस्तों। देखिए दूर तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हरियाली 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 दोस्तों। गांव में यही तो है, शहरों में जो नहीं, यहाँ पे शुद्ध हवा शुद्ध खाना और सब कुछ शुद्ध मिलता है दोस्तों। ये बीटी कॉटन ये है 773 राशि 773 की वैरायटी लगाई है दोस्तों। देखिए आप अब की बार रिकॉर्ड तोड़ नरमा है बहुत ही अच्छा और अच्छी बढ़वार ले रहा है दोस्तों। अभी तक इसमें बिल्कुल खाद का प्रयोग नहीं किया है, नहीं अपन ने डीएपी बोया था और नहीं अड़ने के बाद बोया है दोस्तों। डीएपी का यूरिया का बिल्कुल प्रयोग नहीं है, अभी इस पर पेस्टिसाइड यानी कि अभी दवाई भी नहीं की है कोई भी। अगर कोई बीमारी आई तो करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है दोस्तों, क्योंकि किसान है वो ऐसे ही नज़ारे को देख के खुश होता है, उसका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम किसान हैं भाई। किसान तो अपनी फसल को ही देख के खुश होता है, कोई बिजनेसमैन नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको दिखाया है अपना नरमा ऐसा है, अच्छा है। अब की बार अगर ज़्यादा बरसात नहीं होती है तो नरमा हो जाएगा, अगर ज़्यादा बरसात हुई तो नरमा नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी पूरा नरमा पानी की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि नरमे में 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो गया था, खड़ा हो गया था ज़्यादा वर्षा के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम।